हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंकिता सोलंकी आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी का वीडियो लेके आ गई हूँ। आज हम बनाएंगे भाखर। तो इस भाखर का वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी इंग्रीडियंट्स की डिटेल्स दे देती हूँ, वो आप चेकआउट जरूर करिएगा। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले बाजरे की भाखर। तो इसके लिए मैंने मिट्टी की ठिकरी जो आती है उसका यूज़ किया है। ये मिट्टी की आपके पास ना हो तो आप स्टील की भी पेन ले सकते हो। और इस तरह से बड़ा सा पटीला ले लेंगे, उसमें हम 1 कप जितना बाजरे का आटा डालेंगे। फ्रेंड्स, बाजरे का जो आटा होता है थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है। तो आप देख सकते हो बाजरे का आटा मैंने लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अगर नमक आपको अच्छा लगता है खाना तो आप डालो, नहीं तो फिर नहीं डालोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शनल है। आधे लोग नमक नहीं खाते हैं रोटी भाखर में। अभी हम पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे इस तरह से और आटा को अच्छे से सेट कर लेंगे। मैंने जुवार की जो रोटी बनाई थी इसकी प्रोसेस और इसकी प्रोसेस सेम ही है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें हम लोग हाथ पे इस रोटी को बनाने वाले हैं। उसमें मैंने आपको पॉलीथीन पे रख के हम रोटी कैसे बना सकते हैं उसका वीडियो था वो, लेकिन इसमें एकदम डिफरेंस है बहुत सारा। अगर आप हाथ पे बनाना चाहते हो तो किस तरह से बना सकते हो वो मैंने इसमें दिखाया है। पानी इतना ही डालें कि हम हाथ पे अच्छे से इसको सेट कर सके। अभी हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इस तरह से मसल लेंगे एक पार्ट को। अच्छे से मसलेंगे तभी हमारा हाथ पे ये रोटी अच्छे से बेल पाएंगे, हम बना पाएंगे। और इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हो हाथों में पूरा आ जाए इतना हमें बनाना है, आटा लेना है। अभी हम हाथों पे थोड़ा सा पानी स्प्रेड करेंगे फ्रेंड्स। पानी स्प्रेड करने से ये आसानी से बना सकते हैं हम। पानी स्प्रेड करने के बाद इसे इस तरह से दबा देंगे दोनों हाथों से और फिर इस तरह से साइड की किनारी को खींचते जाएंगे। फ्रेंड्स, बीच में है तो बीच में हम थोड़ा थोड़ा मतलब पतला रखेंगे, तो इसलिए इस तरह से बीच में से सारा आटा ले रहे हैं हम। और इस तरह से फिर ये सारा सेट हो जाए, मतलब सही तरीके से सेट हो जाए, बीच में ज़्यादा आता रहना नहीं चाहिए। तो इस तरह से फिर हम हाथों की हेल्प से इसे बनाते जाएंगे। ये आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है तो बहुत केयरफुली इसे बनाना चाहिए हमें। इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स। एक्चुअली मुझे भी हाथों पे बनाना नहीं आता है, मैं पॉलीथीन का यूज़ करके ही बनाती हूँ। ये मेरी मॉम है, मेरी मॉम हाथों पे ही रोटी बनाती है। और इसमें जो ऐसे बबल्स बबल्स दिख रहे थे उसको हम थोड़ा सा पानी लगा के सेट कर लेंगे इस तरह से। मेरी मम्मी बाजरे का रोटी जो होती है बहुत ही अच्छा बनाती है। तो मैं अभी घर पे आई हूँ, मैंने सोचा कि इस तरह से भी वीडियो ले लेते हैं बाजरे की रोटी का। अभी थोड़ा सा आटा और लगा डालेंगे और फिर इसे भी हम मसल मसल के 2 बना लेंगे। सॉफ्ट 2 बनाना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो जाए वो भी ध्यान रखे। बाजरे की जो रोटी होती है फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छी रहती है हमारी बॉडी के लिए। शुगर वाले जो पेशेंट है उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छी रहती है। अभी इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर घुमा लेंगे, एक बार देख लेंगे कि उस तरफ से अच्छे से सीख गया है कि नहीं। आप देख सकते हो ये अच्छे से सीख गया है। दूसरी रोटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से आटे को सेट कर लेंगे। जब तक ये सीखे नहीं तब तक हमें दूसरी बनानी नहीं है, क्योंकि हम हाथ पे बना रहे हैं। ये जो मिट्टी की ठीकरी बोलते हैं हम लोग इसको,
तो ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अगर ना हो तो आप अपने जो पेन आती है उससे भी ये बना सकते हो, उस पर भी। अभी हम पीछे के साइड से देख लेंगे, कहीं पे कच्चा होगा तो उस तरफ से इस तरह से रखेंगे। अभी नीचे थोड़ा सा कच्चा था तो इस तरफ से मेरी मम्मी ने रखा है, आप देख सकते हो। सारे तरफ से अच्छे से सीख जाए, उसके बाद ही ये फूलता है अच्छे से, तो ये बातें भी ध्यान रखें। इस तरफ से अच्छे से सेक लिया है हम लोगों ने, अभी इसे हम घुमा लेंगे। ये जो मिट्टी की ठीकरी होती है, मिट्टी की पैन जो होती है, उसमें ना ये जो रोती होती है, भाखड़ होती है, बहुत ही अच्छे से बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। इसे इस तरह से रखेंगे, नीचे ये जो मिट्टी की ठीकरी है उसमें गैप होता है, मतलब थोड़ा ऊंडा होता है, तो जो ऊंडा होता है ना फ्रेंड्स, तो उसमें ये जो रोटी है वो फूलती है। इसे इस तरह से दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक फूलने लगेगी। दबाने पे हमको पता चल जाता है कि ये फूलेगा, और ये अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हो। और ये अच्छे से बन गया है, दोनों तरफ से अच्छे से सीख गया है। इसे हम निकाल लेंगे अब और दूसरा रोटी की प्रिपरेशन करेंगे। आपको मैं दूसरी रोटी भी बना के दिखाऊंगी, ताकि आपको पूरे का पूरा समझ में आ जाए कि कैसे हमें बनानी है बाजरे की रोटी घर पे। थोड़ा सा घी को स्प्रेड कर देंगे, देसी घर का घी का यूज़ किया है हमने। इसका भी सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ है मेरी चैनल पे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो। और इसे इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से करने से ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है नीचे से अंदर से भी। हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाएगी इस तरह से, और फिर से वही प्रोसेस से हम भाखर बनाएंगे। पहले हमें बीच का जो एरिया होता है उसे अच्छे से मीडियम कंप्लीटली रोटी का जो मतलब थिकनेस होती है उतना करना है। उसके बाद साइड के किनारे को हमने पतला करना है। पहले हमें बीच का जो होता है उसको पतला करना है, उसके बाद साइड के किनारे को। इसे डैप करते करते जाएंगे तो साइड के किनारे से भी वो पतला हो जाएगा। जैसे मैंने पॉलीथीन पे बनाया था वैसे ही बनाना है, लेकिन ये हाथ पे बना रहे हैं हम लोग। लेकिन हाथ पे बनाया हुआ जो रोटी होती है उसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स। आपके घरों में भी सब लोग हाथ पे बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन हाथ पे बनाने की प्रोसेस थोड़ी हार्ड है, इसलिए मैंने इसके पर एक वीडियो बनाया है ये, कि इस तरह से आप हाथ पे बना सकते हो। आप जितना बनाना चाहो, छोटा बनाना चाहो तो छोटा भी बना सकते हो। इसे इस तरह से रख देंगे हम फिर से। अभी ये जो गैप ऐसे गैप लग रहा है ना, उसके ऊपर ना हम पानी से ऐसे सेट कर देंगे, ताकि हमारी जो रोटी है वो अच्छे से सेट हो जाए। आप देख सकते हो, पानी की हेल्प से इस तरह से कर सकते हैं। साइड की किनारी को इस तरह से निकालेंगे पहले, और फिर उसको घुमा देंगे। अभी आप देख सकते हो कि नीचे की साइड जब हम घुमाते हैं तब अच्छे से सीखना चाहिए, ऐसे अच्छे से सीख जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फूल जाता है, और फूली हुई जो भाखड़ होती है उसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी होता है। अभी ये फूलेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे फूलती है। इस पे हम इस तरह से चमचा रखेंगे तो पता चल जाता है कि ये फूली कि नहीं फूली। अभी ये ऊपर से पूरे से अच्छे से सिक गई है, इसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली फूलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप, ये ऑटोमेटिकली फूल रही है और एकदम फूल के गोल हो गई। आप देख सकते हो कितनी अच्छी रोटी बन के रेडी हुई है। नीचे से बहुत गर्म था, थोड़ा सा लगा है, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन ये पूरी सी फूली है, और ऐसे भाकर बहुत ही टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे, और इसे हम किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी, या फिर नॉर्मल ग्रेवी के बिना वाली सब्जी होती है फ्राई की हुई, तो उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छे से जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। आप देख सकते हो हमारी भाखर रेडी है फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप पे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरी इस चैनल को। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, रेड कलर का बेल आइकन होगा, उससे आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, ताकि आप मेरे हर एक वीडियो को देख सको। तो रेडी है हमारे भाखर, इसे आप
इसे आप किसी भी सब्जी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो व्यूअर्स।